मंदसौर में गीता भवन ब्रिज के पास विश्व हिंदू परिषद के विभाग सह मंत्री युवराज सिंह चौहान की गोली मारकर निर्मम हत्या के विरुद्ध में आज खरगोन विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन देकर एसआईटी गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार की जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है और इस घटना से दुखद और निराशाजनक कानून और पुलिस का खौफ न होने की वजह से अपराधी सरेआम मध्य प्रदेश में किसी पर भी हमला कर देते हैं और ऐसे अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में जंगल राज प्रारंभ हो चुका है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल विषय विश्व हिंदू परिषद के विभाग सह मंत्री श्री युवराज सिंह चौहान की नृशंस हत्या की निष्पक्ष जांच एवं एसआईटी गठन व शीघ्र समस्त आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने संबंध में द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय खरगोन मान्य महोदय उपरोक्त ज्ञापन प्रस्तुत कर विश्व हिंदू परिषद जिला खरगोन की ओर से निवेदन है कि यह कि मंदसौर में गीता भवन ब्रिज के पास विश्व हिंदू परिषद के विभाग सह मंत्री युवराज सिंह चौहान की गोली मारकर जो निर्मम हत्या हुई है यह एक सुनियोजित षड्यंत्र और सोची समझी साजिश के तहत हुआ। यह घटना दुखद और निराशाजनक है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अपराधियों में कानून और पुलिस को लेकर के कोई खौफ नहीं। अपराधी सरेआम हमला कर देश का कानून तोड़ रहे हैं और समाज में निर्भीक होकर घूम रहे हैं। ऐसे अपराधियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले 9 माह से जंगल राज प्रारंभ हो चुका है। हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है। पूर्व में भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा ज्ञापन दिया जाकर मध्य प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, किंतु कमलनाथ सरकार पूरी तरह से अपराधियों का संरक्षण का कार्य कर रही है। यह कि दिनांक 9/10/2019 को दिन दहाड़े करीब 11 बजे विश्व हिंदू परिषद के विभाग सह मंत्री युवराज सिंह चौहान एडवोकेट को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों में पुलिस एवं प्रशासन का कोई खौफ नहीं। इस हत्या को लेकर समूचे हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।